यहाँ सीख रही हैं आप? हम यहाँ एक साल हो गया लगभग आपको सीखते हुए, और हम लोग सीखने के साथ साथ कस्टमर के भी कपड़े तैयार कर लेते हैं, जिससे हम लोग का मतलब जितना हम फीस देते हैं उससे ज्यादा तो हम लोग का निकल भी जाता है, कमाई पैसे निकल जाते हैं कस्टमर के सिल करके कपड़े। तो ज्यादातर तो हम लोग लेडीज के ही कपड़े तैयार करते हैं, जेंट्स के नहीं। बट जेंट्स भी थोड़ा बहुत सिलते हैं, शर्ट वगैरह सिल लेते हैं, बट अभी एक ही साल हुआ है इसके लिए अभी थोड़ा कम सिल पाते हैं। बट जब पूरा हो जाएगा कोर्स तो हम और भी अच्छा कर सकते हैं। मैं 1962 से लड़कियों और महिलाओं को सिलाई कढ़ाई बुनाई आदि की ट्रेनिंग देती हूँ, और जितने बच्चे ट्रेनिंग लेकर निकलती हैं सभी अपने घर जाके स्वयं रोजगार करती हैं, और स्वयं रोजगार करके अपना जीविका का पालन करती हैं। वेट पर हैं हम 1900 मेरा पैर पहले से खालिश मारने के कारण मैं मजबूरी के साथ चलती थी, और कुछ दिन बाद 2004 से 4 में मैं घर में चलते फिरते गिर गई, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। उसके बाद से मैं बेड पर हूँ। हर साल लगभग कितनी लड़कियां यहाँ से निकलती हैं? हर साल लड़कियां मेरे यहाँ 150-200 लड़कियां हर साल निकल कर ट्रेनिंग लेकर जाती हैं, और बहुत अच्छे से अच्छे तरह से वो लोग सिलाई कढ़ाई का ट्रेनिंग लेकर और आत्मनिर्भर बनकर अपना छोटा रोजगार।